नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो राजस्थान में चुनावी माहौल चल रहा है और हम लोग भी दिल्ली से आज राजस्थान की चोमू पे पहुंचे हैं और इलेक्शन की राजनीति की बात करते करते ऐसे ही शाम का समय था तो यहाँ हमने देखा शिव शक्ति पानीपुरी सेंटर है और जब पानीपुरी की बात आता है तो सबके मुंह में पानी आ जाता है और यहाँ राजस्थान में उसको बतासी कहते हैं। चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे लड़की हो, महिला हो, किसी भी उम्र का हो, जब पानीपुरी या भेलपुरी या गोलगप्पा या जो भी उसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं इतना टेस्टी मसाला ये साईनी भाई ने हमारा बनाया है। आलू, प्याज, धनिया पत्ता, मिर्च और ये मसाला के साथ जो पानी बनाया आप देख सकते हैं, इसमें हरे मिर्च और इमली वगैरह डाला है और ये एक जो इंडियन स्ट्रीट फूड है उसका एक अलग महत्व है। जब दोपहर के बाद हो, शाम के हो या कहीं बाजार में घूमने जाते हैं तो गोलगप्पे का एक अलग महत्व, इवन शादी विवाह में भी गोलगप्पा का एक अलग महत्व है। मैं क्योंकि उड़ीसा से आता हूँ और मैंने देखा है खास करके उड़ीसा बिहार में जिस तरह से गोलगप्पे मिलते हैं उसमें मीठा ज़्यादातर नहीं होता है और ऐसे मसालादार होता है, और ऐसे उड़ीसा बिहार की तरह राजस्थान में भी मैंने देखा है कि एकदम बिहार और उड़ीसा की तरह यहाँ पर गोलगप्पे का मसाला, खट्टा पानी, दही ये सब डालते हैं और इतना टेस्टी। मैं तो खाया अभी और मेरे को खाने के बाद लगा मैंने इतना टेस्टी कहीं खाया ही नहीं होगा दिन भर घूमने के बाद। आप ये बताइए दिन भर में आपके पास कितना लोग गोलगप्पे खाते हैं? कम से कम आते हैं 700-800 लोग आदमी आते होंगे। 800 लोग आते हैं तो कितना देते हैं? 10 रुपये में? 10 में 5 5 पीस 10 रुपये में। आप देख सकते हैं कितने सस्ता है। और इसमें क्या क्या डालते हैं? आलू मसाला में क्या क्या डालते हैं? आलू मसाला में नमक है, मिर्ची है, प्याज है, धनिया है, चना है। हाँ, और ये पानी में क्या क्या डालता है? इमली है, पुदीना है, काली मिर्ची, लौंग, इलायची। तो पर डे आपका प्रॉफिट कम से कम 1000 रुपया हो जाता है? 600-700 बच जाता है। 700 रुपया पर डे हो जाता है। तो आप थोड़ा दिखाइए कैसे मसाला बनाया है। अभी मैं बोलूँगा अंकुश को, अंकुश थोड़ा दिखाओ, इधर आओ सामने, कि ये जो मसाला पानी है और आप बना के खिलाओ मुझे, मैं टेस्ट करता हूँ कि ये कैसे उन्होंने बनाया है। वैसे तो पहले खा भी चुका हूँ। और ये छोटे भाई लोग आए, आप लोग यहाँ पर रोज आते हैं क्या? हाँ, बतासे खाने के लिए? मैं रोज ही आता हूँ यहाँ पर। रोज आते हैं? क्या नाम है आपका? अमन खान। अमन खान, कैसे लगता है बतासे इनका? बढ़िया, अच्छा लगता है। अच्छा है। आपका क्या नाम है? आकाश। आकाश, आपका? अरिहित। तो आप लोग रोज खाते हो? बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा बनाते हैं और एक्स्ट्रा भी देते हैं, जो बोले जैसा बोले एक्स्ट्रा भी देते हैं। प्राइस भी ठीक है, एकदम रीजनेबल है, एकदम रीजनेबल प्राइस है, एकदम रीजनेबल प्राइस है, नहीं एकदम बढ़िया है। भाई खिलाओ, भाई खिला के दिखाओ, अभी हम देखेंगे। मैं पहले ये खा लेता हूँ, पहले मैं खा के देखता हूँ। वो माय गॉड, वो इतना दिखता है, वाह, आनंद ही आनंद। सबसे बड़ी बात है, मैं अपना दर्शकों को बता दूं, ये पानी जो बना रहा है ना, उसको देखने ही इतना अट्रैक्टिव लगता है, खाने के बाद जब मुंह के अंदर जाता है ना, वो भी इतना बिल्कुल रसीला और टेस्टी, मिर्ची, खट्टा। पता नहीं, ये भारत की ही एक खासियत है कि आप किसी शहर चला जाओ, किसी गांव चला जाओ, वहाँ की खाना का एक अलग टेस्ट ही होता है। जैसे घर में अपना माँ रोटी बना के देता है और दाल बना के देता है, तो इंडियन स्ट्रीट फूड की एक अलग महत्व है कि नहीं भाई? हाँ हाँ, वो तो है ना, एकदम है। कहीं और जाते हैं भारत के बाहर ऐसा, या कहीं मिलता है भारत की तरह खाना कहीं अच्छा लगता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं लगता है। आपने देखो मेरे छोटे छोटे भाई लोग यहाँ खड़े हैं, ये लोग भी यही बात मानते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो मार्केट है, खास करके फूड एंड बीवरेज का है, इसका भी एक अलग स्थान है। आप कोई भी विदेश में जाएंगे, आप कितना बर्गर खा लीजिए, पिज़्ज़ा खा लीजिए, मोमोज खा लीजिए, लेकिन चाट पापड़ी या यहाँ पर राजस्थान में अगर हम आते हैं प्याज कचौड़ी हो गया, ये चीज़ के एक अलग महत्व होता है। तो मैं अपना दर्शकों को बताता हूँ कि आप अगर राजस्थान आते हैं और चोमू आते हैं
तो चोमू में ये शिव शक्ति पानीपुरी सेंटर जो है वहाँ पर आप, ये राजीव सिंह साइनी है, ये मेरा भाई है, आप देख रहे हैं इतना बेच रहे हैं, तब से लगे हैं, बेचारा बड़ा कर्मठ है और बड़ा खुश भी लग रहे हैं, करे मेरा काम बन जाता है अच्छा खासा पैसा भी, मैं शाम का टाइम इनके पास टाइम ही नहीं रहता है। तो ये हर व्यक्ति, मैंने जैसे आपको बताया था, खाने पे थोड़ा ना कहीं एक रुचि एक अलग से रहता ही है। और आप देख सकते हैं मेरे डाइने साइड में किस तरह से लोग, हमारा बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। क्यों भाई, ठीक है मसाला? बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। आपने देखा, तो आज के लिए हम यही रखते हैं, हम फिर देखेंगे जो ये राजस्थान की असेंबली इलेक्शन चल रहा है और चुनावी बाजार जैसे कहते हैं, ये इलेक्शन के बीचों बीच ये फूड का भी एक अलग स्थान बन जाता है, जब लोग थक जाते हैं कहीं ना कहीं चाट खाने को मन हो जाता है। और अब हम गोलगप्पे का यहीं से रखेंगे, गोलगप्पे के बारे में टेस्ट के थोड़ा सा हम गोलगप्पे के बीच में हमारे छोटे भाइयों को पूछेंगे, भाई चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है यार राजस्थान में? क्या लग रहा है मतलब? कौन आएगा? नहीं है, बीजेपी है, हम बंगाली है। हाँ, बीजेपी आएगा। आपको क्या लग रहा है? जो है कांग्रेस, कांग्रेस आएगा। आप बताओ, आप बताओ, गोलगप्पा खाते खाते हाँ, गोलगप्पा में राजनीति, कांग्रेस रिपीट होगी यहाँ पे दोबारा? रिपीट होगी, हाँ। ओके, आपको क्या कहना है? मैं तो राजस्थान का नहीं हूँ, तो राजस्थान का नहीं है, कोई बात नहीं। गोलगप्पा खाते खाते एक ने कहा कि कांग्रेस आएगा, एक ने कहा बीजेपी आएगा। खैर, गोलगप्पा का आज हमने खूब मजा लिया और हम अपना दर्शकों को बताएंगे कि वो भी गोलगप्पा का मजा ले। और हमारा साइनी साहब का जो है पॉकेट गर्म करते रहे। क्यों साइनी साहब, इधर देखो थोड़ा, दिखा दो एक, ये बताए मुल्ला ममता आएगा? ममता, ममता यहाँ नहीं है, नहीं तो नहीं आएगा ना। मोदी, 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 मोदी आएगा भाई, ये छोटा भाई ने बोल दिया मोदी आएगा। गोलगप्पा खा के जितना खुश थे, इतना खुशी से बताया कि मोदी आएगा। क्यों भाई, सच बोल रहा हूँ? बिल्कुल सच बात है। तो चोमू से दीपक रथ, उदय इंडिया डिजिटल।